दबंग सलमान खान साहब की फिल्म रेस 3 की शूटिंग तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन इन दिनों सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म भारत की तैयारियों में लग गए हैं। पर इसी बीच एक खुशखबरी आई है, खुशखबरी है प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हुई। जी हाँ, फिल्म में सलमान खान के साथ लीड अभिनेत्री का नाम भी फाइनल हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। सलमान खान और डायरेक्टर अली अब्बास जफर की आने वाली फिल्म भारत में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा रोमांस करते हुए नजर आएंगी, और इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। तरन के ट्वीट के अनुसार अभी ऑफिशियल हो गया है कि प्रियंका चोपड़ा फिल्म भारत की कास्ट को ज्वाइन करेंगी। फिल्म में सलमान खान है और फिल्म के निर्देशक टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर है। वहीं पर फिल्म के निर्माता अतुल अग्निहोत्री है। फिल्म साल 2019 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तो इस तरीके से तरन आदर्श ने ये सारी जानकारी दी है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ज्वाइन करने वाली है सलमान खान साहब को फिल्म भारत में। बताते चलें कि तकरीबन 10 साल के बाद ये जोड़ी फिर से साथ में दिखाई देगी। वहीं पर लंबे टाइम के बाद प्रियंका चोपड़ा हिंदी सिनेमा में नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा इससे पहले सलमान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। गॉड तुसी ग्रेट हो, मुझसे शादी करोगी और सलाम में इश्क में सलमान खान के साथ रोमांस करते नजर आ चुकी हैं। सलमान और प्रियंका की इन तीनों ही फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। भारत सलमान की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। फिल्म का बजट करीब 180 करोड़ का रखा गया है। फिल्म भारत साल 2014 में आई दक्षिण कोरियाई फिल्म ऑड टू माई फादर की हिंदी रीमेक होने वाली है। तो इस तरीके से इस फिल्म के लिए अब नाम फाइनल हो गया है प्रियंका चोपड़ा का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।